प्रेजेंटेशन हो जाए, बिल्कुल। मगर ये तो ऑन स्क्रीन है, ऑफ स्क्रीन आपका क्या ख्याल है, कास्टिंग काउचेस हैं, सेक्सुअल हरासमेंट है, आर वुमेन इन अ सेफ एनवायरनमेंट ऑन सेट्स हियर, क्या उनके कोई प्रोटेक्टिव राइट्स हैं? अगर एक लड़की आके प्रोड्यूसर को कंप्लेन करती है कि मुझे फलाना एक्टर, वो बेशक जितना मर्जी सीनियर हो, मुझे हरास कर रहा है, तो इज देयर एन एवेन्यू फॉर हर टू? आपके मुल्क की सुपरस्टार इस वक्त कौन है? मायरा खान। उन्होंने कुछ ऐसा किया या उनके साथ कुछ ऐसा हुआ? फैसल, बहुत फर्क है। नो, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं, लड़की पे खुद बहुत डिपेंड करता है, ठीक है? हमारे मुल्क में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने सर पे काम कर रही हैं और उनको जवाब देना आता है, उनकी एक प्राइड है, उन्होंने अपनी एक जगह रखी हुई है, किसी के बाप में जरूरत नहीं है उनसे को गलत बात करने की, एंड शी इज वन ऑफ देम, ठीक है ना? मगर ये आप थोड़ी विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं। क्या मतलब? क्या आप ये कह रहे हैं कि जिनके साथ हरासमेंट हो रही है वो अपने आप को सही नहीं संभाल पा रही, या आप देखें मायरा खान को वाकई किसी की हिम्मत नहीं होगी? बिकॉज शी इज मायरा, दिस इज माय पॉइंट। सो द थिंग इज कि कुछ लोग वीक हो जाते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको क्या लगता है बहुत सारे लड़के हैं क्या वो बहुत सारी चीजों से नहीं गुजरते? ओह एब्सोल्युटली, बिल्कुल गुजरते हैं, ठीक है, उतनी हरासमेंट उनके साथ भी है, बिल्कुल बिल्कुल। और वो बेचारे भी बहुत सारी चीजों से गुजर रहे होते बिल्कुल हैं। सो चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे हॉलीवुड हो, जी, मैं बिल्कुल एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल। लेकिन जो सबसे मजे की बात है कि इंसान का अपना एक होल्ड होता है ना, क्या है काम नहीं अगर मिलेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? बात ये नहीं है, बात ये कि मायरा खान तो एक बहुत पढ़े लिखे और एंटाइटल्ड बैकग्राउंड से आ रही बाकी हैं। सारी लड़कियां ऐसी नहीं, हैं। लेकिन जो एक 16-17 साल की लड़की किसी रूरल एरिया से आती है, ये सोचे कि मैंने स्टार बनना है, उसको आप कास्टिंग काउच पे डाल देते हैं, उसको नहीं पता कि सही क्या है वो तो गलत अभी क्या है। आपने इकरार का शो नहीं देखा था, उसमें वो मैं तो सर पकड़ के बैठ गया कि बात ये है कि अब खुदा अल्लाह माफ करे कि कोई गलत हाथों में चला जाए तो उस पर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना? अब एक आदमी है जो बच्चियों को ये कह रहा है कि इस तरह के कपड़े पहनने हैं, इस तरह की चीजें करनी है, करके दिखाओ, ये करो वो करो। सो इकरार के शो में भी आया था, उसने यही कहा कि हमारे ड्रामों में ऐसा कब होता है, ऐसा तो नहीं होता हमारे ड्रामों में, तो ये क्यों करवा रहे हो तुम? सो इस तरह के दो नंबर लोग हर जगह मौजूद मौजूद है, ठीक बिल्कुल है, उनसे निमटना है। हम जी। बार बार कई जगह, अच्छा कई ऐसी कास्टिंग एजेंसीज होती हैं जो आप एक्टरों से पैसे ले रही होती हैं कि हम आपको काम दिलवाएंगे आप हमें पैसे एब्सोल्युटली, सिर्फ हरासमेंट सेक्सुअल नहीं है, हाँ, मॉनेटरी, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, हर किस्म की है, ये देखे ना, बिल्कुल। अब हम लोग नेपोटिज्म भी है, जितनी कोशिश कर लें, जी। अब कई दफा कुछ लोगों से बात होती है, जब मुलाकात होती है, अच्छे प्यारी शक्लें, टैलेंटेड लोग, बेचारे 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, वो बी ग्रेड कैटेगरी में वो आके शादियों में खड़े हुए हैं, फलाने सीन कर रहे हैं, वो वही किए जा रहे हैं बिकॉज वो उस सर्कल में फंस गए। ये मसले हैं और इसी वजह से हम अक्सर ये बात करते हैं कि एक एक पूरा सिस्टम बनाने की ज़रूरत है और इस पूरे सिस्टम में सबको यूनाइट होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब किसी एक इंसान के साथ गलत हो रहा होता है ना जी तो बदनाम सारे हो रहे होते हैं, बिल्कुल। ठीक है? हम सेट्स पे काम करते हैं, अभी पिछले दिनों बहुत सारे इश्यूज होते हैं चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से, फलां हवाले से, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि मुझे बता दें कि किसी सेट के ऊपर, किसी फिल्म के ऊपर, किसी ड्रामे के ऊपर कोई इस तरह का केस हुआ है कि कभी किसी लड़की को रेप किया गया हो या किसी बच्चे के साथ कोई ज्यादती हुई हो, किसी को बिला वजह थप्पड़ पड़ गए हो या किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ? कभी नहीं होगा, बिकॉज सेट पे एक एनवायरमेंट होता है, एक एक चीज डिसाइड हुई भी होती है कि भाई ये मसले हैं, इनको इस तरह से आप रखेंगे। बिल्कुल। हम लोग काम करते हैं फैमिलीज की तरह काम करते हैं, हमेशा से फैमिली की तरह काम करते हुए आए हैं। अगर नुमान भाई मुझे डांट भी देंगे तो मैं उस चीज को एक एक ये लूंगा ना कि यार मेरा सीनियर है, अगर मुझे डांट भी रहा है तो कौन सी बुरी बात है, लेकिन खुदा ना खास्ता एक लाइन कोई भी क्रॉस नहीं करता सेट के ऊपर। कई दफा कुछ हमारे ऐसे जोक्स होते हैं जो कि होते हैं बॉयज के जोक्स जो होते हैं, मर्दों के मजाक होते हैं, लड़कियां अगर खुद इन्वॉल्व होती हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि भैया वहां हम अलग बैठे हुए इसी वजह से, अब तुम आगे खुद बैठे हो, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। तो हम सारे दोस्त यार हैं, आधे तो एक दूसरे, सारे तो फैमिली की तरह हम काम कर रहे हैं, तो हमने तो कभी ये रियलाइज भी नहीं किया होता कि अच्छा ये इस तरह से होगा या उस तरह से होगा। सेट पे
अगर मैं वापस आता हूँ अभी मुकद्दर के ऊपर, तो मधिया की सर्टन लाइंस हैं जिनको वो क्रॉस नहीं करती, कि वो ज़्यादा कहती है कि नहीं मुझे नहीं पसंद या मेरी फैमिली को नहीं पसंद कि ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्वमेंट के साथ सीन्स हों, मतलब इंटीमेसी ज़्यादा हो या ये हो। तो मैंने ओन किया उस चीज़ को, मैंने कहा ओके फाइन, मैंने कहा नो इशू, मैंने कहा कोई ज़रूरी थोड़ी है बिल्कुल कि आप पकड़ धकड़ के सीन करें। बिल्कुल, अगर उस बच्ची को एक एक लाइन पसंद है तो अच्छी बात है यार, हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं उस उसने चीज़ खुद को। अपनी एक लिमिट रखी हुई कि इसके आगे मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से बहुत सारी लड़कियां हैं। हमने जब मैं फिल्म कर रहा था, मैंने एक लड़की को फिल्म ऑफर की, उसने कहा नहीं मैं नहीं कर सकती बिकॉज इस कैरेक्टर की लाइन मुझे थोड़ी सी गलत लग रही है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा तुम्हारी मर्जी है, हालांकि वो ऐसा है नहीं, पर मैं खामखा उसको सही करता रहूं तुम्हारे दिमाग में डाल के, तो उससे बेहतर है कि तुम ना करो। ना करो, राइट। ठीक है ना, तो ये वाली रिस्पेक्ट तो हमें रखनी पड़ती है। तो ये है कि थोड़ा वक्त लगेगा, चीजें बेहतर हो जाएंगी, अल्लाह 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 बहुत बेहतर करेगा। बिल्कुल, और काम को काम की तरह लेना चाहिए। जो दो नंबर लोग हैं, मैं ये बहुत सारे यंगस्टर्स को कहता हूँ कि जो आपसे पैसे मांग रहा है वो आपको कभी काम नहीं दिलवाएगा। राइट, ठीक है, जो आपसे गलत चीजों की डिमांड कर रहा है वो काम नहीं दिलवाएगा, वो आपको एक्सप्लॉइट ही करेगा। वो एक्सप्लॉइट ही करेगा आपको। सो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए बिल्कुल कि वो वाले कैरेक्टर हमारी इंडस्ट्री में घूम रहे होते हैं कि हुमायूं सईद को किसने बनाया, आपके भाई ने, तो वो कैरेक्टर है हमारी इंडस्ट्री जी में, जी तो उनसे बचें खुदा जी के वास्ते। जी बिल्कुल हाँ कोई भी आके किसी को कहे कि किसने बनाया तो हाँ, बचें। कि कौन बिल्कुल लाया, शान को कौन लाया फिल्मों में, आपका भाई लाया, तो उस बंदा कहे अच्छा बेटा तुझे लेकर आते हैं हम। तो ये है कैरेक्टर, ये बिल्कुल बड़े मजे बिल्कुल, के कैरेक्टर्स होते हैं वैसे। बस पहचानने की जरूरत हाँ है, बिल्कुल, इनको पहचानने की यंगस्टर्स जरूरत है। को बचने की जरूरत है। बिल्कुल सही है। तो मैं ये भी इम्पोर्टेंट एक मैसेज है कि जिनके साथ आप काम कर रहे हैं वो सोच के करें कि किसके देखिए साथ काम कर सर्टेन रहे हैं। सारी प्रोडक्शन हाउसेज प्रोटेक्शन तो हैं वहीं से आती है ना, जो ऑफ कोर्स। इस वक्त काम कर रहे हैं, बिग जी बैंग है, आई ड्रीम्स है, सेवंथ स्काई है, जी एमडी है, जी ये इस तरह के बहुत। अब एमडी मुस्तकिल नए लोगों के साथ काम कर रहा है, जी ठीक है, मोमना भाभी खुद नजर रखती हैं बहुत सारी चीज़ों पे, वहाँ से तो आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। ठीक है, हमारे मुकद्दर में दो चार नए लोग हैं, बिल्कुल लेकिन कोई सेवंथ स्काई से कभी कोई ऐसी हमने बात नहीं सुनी, कभी हमने बिग बैंग से कोई ऐसी बात नहीं सुनी, या हमने आई ड्रीम से कोई ऐसी। बिकॉज आप जब इस तरह की हरकतें करते हैं ना, एक तो वैसी बरकत उड़ जाती है जो कि सच्ची बात है। अब वैसे फैसल कहना नहीं चाहिए, लेकिन हार्वी वाइनस्टीन पे काफी बरकत थी, काफी साल काफी उन्होंने गन खोला, लेकिन लेकिन हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे अलबत्ता वो नहीं हो सकता वो बिकॉज नहीं हो बहुत सकता, छोटी छोटी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल हाँ सही है। लाइटर नोट पे लेके आते हैं डिस्कशन को। हाँ आपने बॉयज क्लब की बात की, हाँ तो आपका अपना भी एक छोटा सा बॉयज क्लब है जिसमें आप बाइक्स वगैरह छोटा चलाते नहीं थे। है भाई, अब तो अच्छा, वी स्टार्टेड व्हेन वी वर लाइक 4 या 5, हाँ, बट नाउ इट्स मोर देन 800 900 पीपल